चलिए आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा। एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो घर वाले ने आपको साथ जिनके संपर्क नजदीक करीब है उन्होंने क्या सीएफ कोने नहीं जाते। हम लोग कभी माना किया कि राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर जाना माना है, हम ईडी दफ्तर जाने नहीं देंगे, ये तो नहीं कहा हमने। हम लोग क्या क्या कि राहुल गांधी जी जाएंगे एज ए जेस्टर ऑफ सॉलिडारिटी, वो हमारा नेता है और नेता जहां जाते हैं हम उनको सीएफ करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम चलेंगे उसके उनके साथ। अगर वो गाड़ी में जाए तो जा सकते, हम पैदल जाना चाहते हैं कि ये अन्याय है। Its version of the so-called interrogation. The ED is bound to conduct the interrogation in absolute confidence. If ED begins to leak one side of the story, a biased story, a prejudiced story, a distorted story, what kind of an investigation is this? This is clearly a biased and prejudiced investigation, and the fact that the ED has leaked selective parts of the interrogation according to their understanding clearly establishes bias and prejudice. Hum sabhi Rajya Sabha ke member Vice President ji se mile aur hum unko ye bataya ki hamare parliament members ko galat tarike se उनको डिटेन किया गया है। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनका नियत ये था कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को हराश करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये उनका इरादा रहने के वजह से हम लोगों का जो हक है, प्रिविलेज है, उसका वायलेशन हुआ है। इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया। सब आप लोग ही कहते थे सीबीआई जांच हो, आज कोई लोग सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है, क्यों? तो आज ये इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया जाए। जांच पड़ताल एक प्रक्रिया है, लेकिन इनके पीछे जो ताकतें हैं, जो एजेंसीज को गाइड कर रही हैं, पिछले 8 साल से लगातार सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज को दबाने का काम हो रहा है। कल भी जैसा कि आप जानते हैं, हम सब अपने पार्टी के दफ्तर जा रहे थे, हम सबको डिटेन किया गया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है 3 दिन पहले कि हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये बेवजह अनावश्यक दबाव डालकर एजेंसीज का दुरुपयोग बंद करें। और सोनिया गांधी जी को बुलाया गया 23 तारीख को, राहुल जी को 3-4 दिन लगातार बुला रहे हैं। ये पूरा प्रकरण है शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर कर विरोधियों की, जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं, उन लोगों पर दबाव बनाने का काम हो रहा है। हम लोगों को डिटेन किया, पार्टी के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया, तो देश पूरा देख रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कृपया करके हम शांति बना के रखें, और हम गांधी जी की पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों को सिद्धांत को नहीं भूलना है, और अपने संकल्प से, अपनी ताकत से, अपनी अहिंसात्मक प्रयासों से हम इन लोगों को झुकाएंगे, और वो लोग जो हमको डराने की कोशिश करते हैं वो इस संघर्ष में हारेंगे। ये जो जिस प्रकार से जो हो रहा है पिछले 3 दिन से, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का एक स्थान होता है। अगर किसी सरकारी एजेंसी की कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं, हमें लगता है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से कार्रवाई की कर रही है सरकार, तो हम अपना विरोध व्यक्त करें, और विरोध व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण मार्च या शांतिपूर्ण धरने की हमें इजाज़त मिले। लेकिन यहाँ तो इजाज़त दूर की बात है, हमारे मुख्यालय को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरे स्वयं के आवास को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये लोकतंत्र का गला घोटने समान कार्रवाई है, इसका हम विरोध करेंगे।